अस्सलामुअलैकुम। गर्मा गर्म क्रिस्पी बन परोठा, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, चिकन सुक्का के साथ खाइए। ऐसा मज़ा आएगा कि इसका टेस्ट आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये दुबई और केरला की स्पेशल रेसिपी है, ट्राई करना तो बनता है, बस मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके हम इसे बनाने वाले हैं। इसे बना के आप खुद खाइए, मेहमानों को खिलाइए। चिकन चुक्का यानी चिकन सुखा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन। चिकन के पीसेस मीडियम साइज में कट कर लें। नेक्स्ट इसमें डालिए 1 टीस्पून भर के नमक, हल्दी आधा टीस्पून, 3 टीस्पून भर के दही, 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह से चिकन के साथ सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख दें। नेक्स्ट हमें 3 मीडियम साइज की प्याज इस तरह से बारीक स्लाइसेस में कट करना है। इसे फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम कर लें। अच्छा सा कलर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक हमें प्याज को फ्राई करना है। तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, प्याज डाल दें। और थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। देखिए इतना कलर काफी है, इसे एक प्लेट में निकाल लें। फ्राई की हुई प्याज तो रेडी है। नेक्स्ट एक पैन गरम कर लें और इसमें 2 टेबलस्पून भर के घी डाल दें। इसे मेल्ट होने दें। घी गरम करने के बाद इसमें डालिए क्रश किए हुए लहसुन के कलियां 2 टेबलस्पून। क्रश की हुई अदरक 1 टीस्पून, हल्का सा सॉटे कर लें। 2 हरी मिर्च डाल दें। इसे करी पत्ता डालिए। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें डालिए 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी डाल के फ्राई कर लें। थोड़ा नमक भी डालिए, चिकन में ऑलरेडी नमक है, भून लें। 30 सेकेंड के लिए भूनिए। फ्लेम को मीडियम पे रखिए। मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर डाल दें। अब फ्लेम को हाई पे रख के भूनते जाइए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होने तक। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें डालिए मैरिनेट किया हुआ चिकन, डाल के अच्छे से भूनिए। फ्लेम को हाई पर रख दें। हाई फ्लेम पे ऐसे ही 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लें। 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनने के बाद फ्लेम को लो पे रख दें, इसके ऊपर लिड बंद कर दें और लो फ्लेम पे चिकन कम्प्लीटली गलने तक पकाते जाइए। इसके लिए 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, लेकिन बीच बीच में चेक करते रहिए। बन परोठा बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लें और इसमें डालिए 1 अंडा, 2 टीस्पून भर के शक्कर, नमक 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून, 2 टेबलस्पून दूध, अच्छे से बीट करिए। इसमें 1 कप भर के पानी डाल दें, डाल के फिर से अच्छे से मिक्स कर लें। अब नेक्स्ट हमें चाहिए आधा किलो मैदा यानी 500 ग्राम। अब मैदे में ये दूध का मिक्सचर डाल दें, डाल के अच्छे से मिक्स करिए। इस तरह से अच्छे से गूंद लें। गूंदे हुए आटे को हमें देखिए इस तरह से बीट करना है। इस तरह एक 10 से 15 मिनट के लिए करिए, तभी परोठा हमारा बहुत ही ज्यादा फ्लेकी और सॉफ्ट बनेगा। इसमें हम थोड़ा सा तेल मिक्स कर लेते हैं।
मिक्स करते जाइए और इस तरह बीट करते जाइए। आटे को इस तरह से अच्छे से गूंदने के बाद ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल दें। इस तरह से सभी साइड तेल अच्छे से अप्लाई करके इसे कवर करके 2 घंटों के लिए रख दें। 2 घंटों के बाद देखिए इसका टेक्सचर, देखिए इतना सॉफ्ट हो गया है। अब हमें इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के रखना है इस साइज के। देखिए इस तरह से ऐसे ही बॉल्स बना के रखते जाइए। देखिए इस तरह से डिवाइड करके फिर से इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। इसे फिर से कवर करके 1/2 घंटे के लिए रख दें। चिकन तो हमारा अच्छे से गल चुका है, अब इसमें हम फ्राई की हुई प्याज डाल देते हैं। इसी के साथ 1 टीस्पून भर के काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर मिक्स कर लें। ड्राई होने तक हाई फ्लेम पे पकाते जाइए इसे। जब ये ड्राई हो जाएगा हमारा मजेदार चिकन सूखा रेडी हो जाएगा। बहुत बहुत ही अमीर रेसिपी है ये, आप लोग जरूर ट्राई करें इसे। आप चाहे तो बहुत ज़्यादा ड्राई ना करें, आपकी मर्जी, लेकिन थोड़ा सा पका लें प्याज डालने के बाद। ये जो फ्राइड अनियंस का टेस्ट है बहुत अच्छा दिखता है इसमें। अब आखिर में इसमें थोड़े से करी पत्ता यानी करी पत्ता डाल दें, फ्रेश डालिए। मेरे पास ज़्यादा फ्रेश नहीं थे इसीलिए मैं थोड़े से ड्राई डाल रही हूँ। फ्रेश डालेंगे तो और अच्छी खुशबू आ जाएगी। मिक्स करके फ्लेम बंद कर दें। 1/2 घंटा हो चुका है, इसे हमें अब बेलना है। आप चाहें तो हाथ से इस तरह से स्प्रेड भी कर सकते हैं या इसे इस तरह से बेल भी सकते हैं। अच्छे से बेलिए। इस तरह से थोड़ा सा तेल लगा के बेलिए, आसानी हो जाएगी। इस तरह से हाथ से भी कर सकते हैं। पहले साइड से इस तरह से स्प्रेड करना है, उसके बाद बीच के हिस्से से। इतना स्प्रेड करिए कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। देखिए इस तरह करने के बाद धीरे से फोल्ड कर दें इस तरह से। देखिए यहां से धीरे से इस तरह से प्रेस करते जाइए। देखिए बस इतना साइज हमें काफी है। ऐसे ही करके बाकी सभी बन परोठे हम बना लेते हैं। बन परोठा फ्राई करने के लिए एक तवा अच्छे से गरम कर लें और इसमें थोड़ा सा तेल स्प्रेड कर लें। धीरे से रख दें। फ्लेम को मीडियम टू लो पे रख के ही फ्राई करिए। टर्न करके फिर से फ्राई करते जाइए। फ्लेम को मीडियम टू लो पे ही रखिए।
अच्छा कलर आने तक फ्राई करते जाइए। है ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चिकन सुक्का और बन परोठा की रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें। कमेंट में बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए। इस वीडियो के लिंक को शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और इसे ट्राई ज़रूर करें। चैनल कुक विद फैम सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही बहुत सारे मज़ेदार रेसिपीज मैं लेके आती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।